नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका एकात्म और मानववाद और अंत्योदय का दर्शन कई लोगों को प्रेरित कर रहा है। मथुरा में 1916 में आज ही के दिन जन्मे उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार के इनकार का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव बिहार में देखा जा रहा है। केंद्र के फैसले के बाद अब नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को देश के सभी राज्यों में ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। इस संबंध में उन्होंने देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख को चिट्ठी लिखकर जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार कल राजभवन में शाम 4:30 बजे होगा। नए मंत्रिमंडल के लिए विधायकों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद शनिवार दोपहर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ऐसी उम्मीद है कि चन्नी दोपहर में राज्यपाल से मिलेंगे और नए मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित होने की संभावना जताई गई है। बिहार में कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने साल 2022 के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकार के नए कैलेंडर के अनुसार सचिवालय कर्मियों को अगले साल दुर्गा पूजा में लंबी छुट्टी मिलने की उम्मीद है। साथ ही होली जैसे बड़े त्यौहार में भी इस बार सरकारी कर्मी लगातार 3 दिन तक अपने परिवार के साथ घर पर समय बिता सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 7 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय ले लिया है, लेकिन धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाली मैनेजमेंट कमेटियों को कुछ कड़ी शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। बिना मास्क के किसी को भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिहार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के विस्तार के अगले चरण में सारण जिले के एकमा अनुमंडल के मुख्य डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। साझेदार के तौर पर भारत के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी साझा करते हुए और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने सहित करीबी जुड़ाव के माध्यम से भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में अपना दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले आमने सामने की द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने उन्नत औद्योगिक सहयोग को गहरा करने का भी स्वागत किया। पूजा पंडालों में प्रवेश के लिए बिहार में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। इस आशय का आदेश गृह विभाग की विशेष शाखा ने जारी किया है। बताया गया है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान राज्यों के बाहर से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को विकसित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के बाद बिहार में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। इसको लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार जल्द नई सहकारिता नीति लाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आम बजट 2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी। भारत ने 40 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत ऊर्जा पर पहली लीडर स्तरीय बैठक में 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को विकसित करने, 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन को 1 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। मुंबई पुलिस ने शनिवार को कॉमेडियन कपिल शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया के बेटे बोनिटो छाबरिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने इस मामले में बोनिटो को पूछताछ के लिए बुलाया था। नारीवादी कार्यकर्ता, कवियत्री, लेखिका और भारत में महिला अधिकार आंदोलन की दिग्गज कमला भसीन का शनिवार सुबह निधन हो गया है और 75 साल की वो थी। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने ट्विटर पर बताया कि भसीन ने तड़के करीब 3 बजे अंतिम सांस ली है। वो कैंसर से पीड़ित थी। भसीन का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीके की 82.57 करोड़ से अधिक खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक मुहैया कराई गई है तथा 94 लाख से अधिक खुराकें उन्हें उपलब्ध कराने के विभिन्न चरणों में है। मंत्रालय ने कहा है कि 4.15 करोड़ से अधिक शेष और उपयोग में नहीं लाई गई खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीकाकरण के लिए उपलब्ध है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ssc.nic.in और आयोग की अन्य क्षेत्रीय वेबसाइट से अपने ssc/mts एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लेकर केयरटेकर के दावे के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक केयरटेकर या नौकर अपने लंबे समय तक कब्जे के बावजूद संपत्ति पर कभी दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मकान मालिक कहेगा तो उसे केयरटेकर या नौकर को मकान या प्रॉपर्टी को खाली करना होगा। अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में जॉब करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि पीएफ का पैसा जमा करने वाली संस्था ईपीएफओ ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। आप इसे हल्के में लेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बीते 2 महीने में स्टील की कीमतों में 13% तक की गिरावट आई है। इसे लौह अयस्क की कीमतों में आई गिरावट का असर माना जा रहा है। जुलाई 2021 में स्टील का भाव 53 से 54 हजार रुपए प्रति टन पहुंच गया था, जो अभी गिरकर 45 से 46 हजार रुपए टन के करीब है। 3 कृषि कानून के खिलाफ 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन ने सोमवार यानी कि 27 सितंबर को भारत बंद करने की बात कही है। विवादित कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर बंद का किसान संगठनों ने आह्वान किया है। हालांकि किसानों के भारत बंद का असर इस बार दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा। नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने अहम बातें कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत तेजी से विकास कर रहा है, भारत की तस्वीर बदल रही है और देश की आर्थिक स्थिति में भी उछाल देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है और 26/11 के मुंबई हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूह के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। भारत और अमेरिका ने तालिबान से उसके द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समूह सहित सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया है। दोनों देश ने अफगानिस्तान के नए शासकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि युद्धग्रस्त देश की धरती का किसी भी अन्य देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह या प्रशिक्षण देने के लिए फिर से इस्तेमाल न हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसी साल पहली बार बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। वहीं उन्होंने शनिवार को राजधानी में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द सहकारिता नीति लाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से शनिवार को कहा गया कि आयकर विभाग ने गुजरात के एक अग्रणी हीरा निर्माता एवं निर्यातक के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपए की कर चोरी का पता लगाया है। इसमें बताया गया है कि समूह के परिसर पर यह छापेमारी 22 एवं 23 सितंबर को शुरू की गई है। गोल्ड से चूका भारत की महिला और मिश्रित युगल कंपाउंड तीरंदाजी टीम को कोलंबिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही यहां विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। भारत विश्व चैंपियनशिप में अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश कर रहा है। भारत अब तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है, लेकिन उसने सबसे अधिक 10 बार पोडियम पर जगह बनाई है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 6वें सिरो सर्वे को मंजूरी प्रदान की थी और शुक्रवार से इसकी शुरुआत दिल्ली में हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के 280 वार्ड में से कुल 28,000 सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। इस हिसाब से हर वार्ड में 100 सैंपल कलेक्ट होंगे। सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले लोगों को शनिवार को बधाई दी है और कहा कि लोक सेवा में एक रोमांचक तथा संतोषजनक करियर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और वो भारत की यात्रा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अहम प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे। क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत के नेताओं ने उत्तर कोरिया से बातचीत में शामिल होने और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने का आह्वान किया है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को वॉशिंगटन में 4 देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के अंत में ये बातें निकलकर सामने आई है। भारत में कोरोना वायरस के 29,616 नए मामले बीते 24 घंटे में
दर्ज किए गए हैं और जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,36,24,419 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,280 की वृद्धि हुई है। संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 3,01,442 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 290 और मरीजों की जान गंवाने में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,46,658 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, माला कुमारी, प्रिंस कुमार, राजेश सोंथियाल, अनवर हुसैन, धीरज कुमार, राजेश कुमार, सचिन सिंहम, नीतीश कुमार, सिंगर परविंद यादव, दीपसेन कुमार, चंदन कुमार, राजकुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद कौसर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जातीय जनगणना देश भर में करवाई जानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।